क्या देख रहे हो भैया? वही मार्बल और क्या, इसमें कुछ भी बना सकते हो आप। टाइम नहीं बना सकते हैं, जो बोलो वो बना देंगे। इसमें का विंडो बना के दिखाओ फिर, ऑटोमेटिक विंडो। हाँ चलो बनाते हैं, ठीक है चलो बनाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई मेरे को सबसे पहले एक ऑटोमेटिक विंडो बनाने का चैलेंज मिला है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ही विंडो है जो अभी ये बहुत ज़्यादा उजाला कर रहा है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। शायद मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, मैं आपको बाद में इसका क्लिप डाल दूंगा। अभी मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर हम बनाएंगे ऑटोमेटिक विंडो और देखते हैं ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं कि नहीं। और मार्बल वाले हैं हम लोग तो जरूर करके दिखाएंगे। ओके तो चलिए करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो भाई मैं अभी ले लिया हूँ लकड़ी का सीट, क्योंकि मेरे पास जो है अभी प्लाई पड़ा था तो इसलिए मैं प्लाई ले लिया, नहीं तो मेटल का सीट में लेता था तो और मजबूत होता था। तो ठीक है अभी जो है उससे तो काम करना ही पड़ेगा, तो मैं अभी इसको कट कर लेता हूँ, क्योंकि तो मेरे को तीन पीसेस की जरूरत पड़ेगी और इसको कट करने के बाद मेरे को चेक भी करना पड़ेगा। ये दूसरा प्लाई मैंने कट कर लिया और ये तीसरा कट कर रहा हूँ। ये खत्म करने के बाद मेरे को इसको एक अरेंज करके अभी सेंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं आएगा तब तक अच्छा नहीं लगता है और हाथ में भी लगता है। फिर मैं एक जगह पर रख के इन्हों को चेक कर लिया और साइड साइड में मेरे को दो फट्टे जैसा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों साइड से मेरे को कुछ तो चाहिए लकड़ी जैसा जिसमें मैं कील वगैरह ठोक सकूँ। डायरेक्ट दीवार में ठोकने के लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो मैं अभी ठोकना चालू करता हूँ दीवार में। और मैंने होल करना चालू किया, दोनों साइड मार के उसको उस पर फिक्सर लगा के मैंने स्क्रू से, जिप्सम स्क्रू से मैंने टाइट कर दिया और उस पर मेरा जो यू टाइप का जो चैनल है मैं वो दोनों इस पर माउंट कर दूंगा। और इसको मैंने पहले स्क्रू से फिक्स किया था लेकिन वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो फिर बाद में मैंने उसको ग्लू से अच्छे से चिपका दिया और इस पर ये दोनों प्लाई का सीट लगा के मैं ऊपर नीचे करके देख लिया था कि फ्री हो रहा है कि नहीं। अभी चलते हैं गियर बॉक्स का काम करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्लाई कट कर लिया है, अभी कट कर रहा हूँ और कट करके मैंने ले लिया। और चलिए इसको मैं सारा के सारा आपको दिखाता हूँ। ये मोटर मेरे पास जो है ये अपना एक मोटर पड़ा था गियर बॉक्स के लिए, तो उसका मोटर है ये, ड्रिल मशीन का गियर बॉक्स का मोटर है, तो मैंने उसको यूज़ किया और मेरे को सुविधा अनुसार मैंने अपने ग्लू लगा के उसको एडजस्ट किया और केबल टाई से उसको फिक्स कर दिया, ताकि ये हिले डुले नहीं। मैं तीन तीन होल मार के फिक्स कर दिया और देखिए कि जो लकड़ी जो मैंने लगाया था प्लाई का वो थोड़ा तकलीफ दे रहा था, कहीं कहीं अटक जा रहा था, तो इसलिए मैंने एक ग्रीस लाया और ग्रीस लगा के काफ़ी अच्छे से कर दिया, फिर अटकने का प्रॉब्लम खत्म हो गया। लगभग ना के बराबर अटक रहा था या नहीं अटक रहा था, तो अभी मैं फिर से लकड़ी वगैरह लगा लिया सारा, प्लाई लगा के फिक्स करके और मैं स्लाइड कर करके देख के, और ताकि वो बहुत स्मूथ स्लाइड होने लगा और फिर देखना जरूरी है, नहीं देखा बात
तो भाई देखिए, अब मैंने अभी एक मॉडल बनाया है ताकि मैं उधर डायरेक्ट लगा सकूँ। अभी क्या है कि डायरेक्ट उधर लगाने के लिए आपको वायरिंग फिर समझ में नहीं आएगा, मैं अभी समझा देता हूँ। अभी ये देखिए, ये जो 3 वोल्ट 3.7 वोल्ट का मेरे पास बैटरी है, जो ये मोटर को मैं रन कर रहा हूँ, अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। इसका सीधे सीधे मैंने दोनों एनसी को ला के, एक वायर को डायरेक्ट इधर से लाया हूँ और एक को ये एनसी कॉन्टैक्ट से घुमा कर लाया हूँ डायरेक्ट, ताकि ये जरूरत पड़े तो रोका जा सके। और जो दूसरा इसका रिवर्स का जो सिस्टम बनाया हूँ, इसी में से यहाँ से लूप करके इसको रिवर्स मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं। और उसको मैंने रिवर्स का जो एक वायर है, ये देखिए एक वायर है मैंने, जो उसको इंटरलॉकिंग के साथ रखा हूँ ताकि जब रिवर्स रहे तभी बंद हो। जैसे कि मैं रिवर्स फॉरवर्ड करना है तो मेरे को ये कॉन्टैक्टर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी ये कॉन्टैक्टर को ऑन करके दिखाता हूँ, अभी ऑन किया, ये रिवर्स हो गया। अभी ये दबाऊंगा तो ही रुकेगा, ये दबाने पर रुक जा रहा है। और फॉरवर्ड करने के बाद इससे कोई काम नहीं होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दबेगा तो ही रुकेगा ये। और अगर जब मैं पावर कट किया कॉन्टैक्टर का, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है और इसको मैं दबाऊंगा तो ही रिवर्स होगा, तो इससे हमारा काम जो है बन जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट उस पर आपको लगा के दिखाता हूँ सारा फिट फिनिश करके, क्योंकि मैं अगर जो यहाँ पे करने गया तो काफ़ी वक्त जाएगा और सारे वीडियो रिकॉर्ड करके डालने में काफ़ी मुश्किल होएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट उधर ही दिखा देता हूँ। आपको इधर छोटा सा डेमो दिखा दिया, सेम चीज़ मैं यही यूज़ करने वाला हूँ, बस मेरा मोटर चेंज होने वाले हैं। और जो ये 12 वोल्ट के बैटरी में अभी लाइपो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट मैं अपना 12 वोल्ट के लीड एसिड बैटरी से देने वाला हूँ। और ये डायरेक्ट इसको जो 3.7 वोल्ट का जो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, इसके जगह पर मैं अपना ये 5 वोल्ट का यूज़ करूँगा मैं पावर सप्लाई। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट वहाँ करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, मैंने लिमिट स्विच वगैरह फिक्स कर दिया है, यहाँ भी फिक्स कर दिया है और यहाँ भी फिक्स कर दिया है। और बाकी जैसा कि मैंने उधर दिखाया था आपको, वायरिंग का सेम वैसे ही किया हूँ, बस मैंने दो वायर जो है ये 12 वोल्ट के लिए यूज किया है इसको ऑन करने के लिए, और दो वायर जो है ये वायर यूज किया हूँ मैं इसको मोटर को सप्लाई देने के लिए, जो कि मैं 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक दूंगा। तो मैं उसके लिए मैंने दे रखा है, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारा मतलब सेटअप कर दिया, वायरिंग भी सब कर दिया, और ये वायर जो है मैंने लेके आया ऐसा, और ये लेके आया और इधर, और इसका जो है ये मैंने कॉन्टैक्टर, इस टाइमर से मैंने कॉन्टैक्टर ऑन किया है। ये दोनों वायर शॉर्ट होते हैं जब ऑन होता है, तो और ऑन होता है, और मैंने इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है इससे। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उससे मैंने सप्लाई दे दिया है डायरेक्ट। और ये जो है ये ऑन करने का इसका वायर है, मैं जैसा इसमें टाइमर सेट करूंगा, जिस टाइम में मेरे को ऑन चाहिए वो टाइम पे ये ऑन करेगा, जब ऑफ चाहिए जब वो ऑफ कर देगा। क्योंकि आप लोग ये लोग यूज किए रहेंगे तो आपको पता होगा इसमें हो जाता है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 600-700 में ही आ जाता है। और बाकी मैंने जो दो वायर यूज किया है, दो वायर, एक इसका न्यूट्रल दिया हूँ, इसका 0 वोल्ट दिया हूँ ये 12 वोल्ट का सप्लाई का, जो उधर अपना कॉन्टैक्टर ऑन करेगा। और दूसरा जो है मैं अभी बैटरी पे ऑन कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे रख के मैं बाद में इसमें 5 वोल्ट सप्लाई देके इसको ऑन कर दूंगा, वो मोटर के लिए जो उधर घूमता है, मोटर विंडो को सारा उठाने के लिए। तो अभी मैं टाइमर जो सेट करूंगा वो हो जाएगा। अभी मैनुअल में आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए मैं मैनुअली, अभी ये कॉन्टैक्टर ऑफ मोड में है, तो ऑफ मोड में इसलिए जाके वो ऊपर उधर जाके विंडो खड़ा है। अभी मैं इसको ऑन करूंगा तो विंडो नीचे आएगा, ये ऑन कर दिया, अभी देखिए विंडो नीचे आएगा। ये लिमिट स्विच पे जैसे ही लगेगा बंद हो जाएगा, देखिए अभी जैसे इस पे लगा वो बंद हो गया। अभी मैं उसको ऑफ करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। अभी मैं इसको देखिए मैं ऑफ करता हूँ, अभी वो ऊपर जाएगा, ऑफ किया इधर ऊपर जाने लगा, और ये लिमिट स्विच पे आके ये बंद हो जाएगा। अभी ये फुली ऑटोमेटिक हो गया है। अभी मैं जो इस पे टाइमर सेट करूंगा, मैं इसमें जो टाइमर सेट करूंगा, मैं एक दो टाइम सेट करके दिखाता हूँ, उसके हिसाब से ये टाइम को ऑन ऑफ होगा। मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह ऑन हो जाए और रात को 11 बजे के बाद बंद हो जाए, उसके हिसाब से मैं इसको ऑन करूंगा कॉन्टैक्टर को, और वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो वो विंडो खुल जाएगा। और जैसा इसमें मैं टाइमर आपको सेट करके दिखाता हूँ, और उसके हिसाब से अभी टाइम हो रहा है इसमें 5:21,
जो एक्चुअल टाइम है वो मैंने सेट कर रखा है इसमें पहले, फिर मैं इसमें सेट करता हूँ। अभी इसमें मैं चला गया टाइमर, तो भाई मैं अभी टाइमर जो है सेट कर देता हूँ। अभी मेरे पास ये पहले से जो टाइमर है बहुत सारा लगाया रखा हो, तो मैं अभी 5:32 है, इसको मैं कर देता हूँ 45 कर देता हूँ सबसे अच्छा। ये मैं 45 पर कर दिया, ले लीजिए हो गया ऑन का है ये टाइमर। अभी आगे वाला ऑफ का कर देता हूँ 47 ना, तो मैं 47 कर देता हूँ इसको, हो गया। अभी क्लॉक पे आ गया, अभी देखते हैं चालू होता है। हाँ देखिए अभी ऑन हो गया, चालू हो जाएगा। अभी वेट करते हैं थोड़ा देर, इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे थोड़ा। सेकेंड, एक सेकेंड, और ये देखिए विंडो ओपन होना चालू हो गया। जैसे हम टाइम सेट करेंगे वोल्टा ये काम करेगा, मैं आपको सुविधा अनुसार में सेट कर दूंगा। और ये जो है अभी ओपन ही रहेगा जब तक मेरा फिर अगले दिन उसी टाइम पे ये बंद होगा और उसी टाइम पे चालू होगा। अभी जो मैं इस पर सेट किया हूँ उसके हिसाब से, अभी मैं इसको सेट चेंज करने वाला हूँ अपना इसका सेटिंग, और मैं अपने हिसाब से लगाने वाला हूँ। तो भाई ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया, और आगे बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो आप ऐसा ही सपोर्ट करते रहें। और कैमरामैन के साथ हम करेंगे अभी बाय बाय, चलिए ठीक है।